जो भी मोबाइल दिन में 10 घंटा यूज करता है वो भीख मांगेगा, और जो 15 करता है वो पागल हो जाएगा। मोबाइल यानी मौत। माँ सीरियल देख रही है, बच्चा आया कि मम्मी मुझे आपके साथ खेलना है। माँ उसको मोबाइल देती है, मेरी जान छोड़। प्रॉब्लम एक्चुअल में है, वो प्रॉब्लम ये स्मार्टफोन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि स्मार्टफोन को हम समझ नहीं पा रहे कि ये क्या है और किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है और किस तरीके से हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहा है। टीवी और मोबाइल की लत बहुत तेजी से बच्चों की आंखों को नुकसान पहुंचा रही है। छोटे बच्चों में कम दिखाई देने और धुंधला दिखाई देने की शिकायतें बढ़ रही है। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में मायोपिया यानी कम दिखाई देने की समस्या बीते 20 सालों में 3 गुना बढ़ी है। अब एक नई स्टडी में ये पता चला है कि 6 साल तक के ऐसे बच्चे जो मोबाइल फोन से खेलते हैं, जब वो बच्चे बड़े होते हैं आगे चलकर उनकी याददाश्त बेहद कमजोर हो जाती है और उन्हें कई प्रकार की मानसिक विकृतियों का सामना करना पड़ता है। तो विद्या बॉक्स, क्या तुम बच्चों को बिना फोन और बिना स्क्रीन के पढ़ने में मदद कर सकती हो? जी हाँ, मैं बच्चों को बिना फोन और स्क्रीन के लर्निंग में मदद कर सकती हूँ। विद्या बॉक्स यानी मुझे लेकर क्लास 1 से 10वीं तक के बच्चे अपनी क्लास की सारी किताबों की ऑडियो बुक से सीख सकते हैं और अपना स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं। मुझे चलाने के लिए न ही इंटरनेट चाहिए और न ही फोन। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। आप सुन रहे हैं सुनो किताब। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीक्षा है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक अटैक विद सन का फर्स्ट चैप्टर। तो देखा आपने, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्मार्टफोन और स्क्रीन की जरूरत नहीं है। बच्चे बिना फोन और बिना स्क्रीन के भी पढ़ सकते हैं सुनो किताब विद्या बॉक्स से। सुनो किताब विद्या बॉक्स में पहली से लेकर के 10वीं तक के बच्चे बिना किसी स्क्रीन के और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई कर सकते हैं। तो अभी विद्या बॉक्स ऑर्डर करें और अपने बच्चों को पढ़ाएं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के।